आज हम चौथे वीडियो में पेशीय गति विज्ञान के संतुलन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। संतुलन, संतुलन क्या है? सबसे बड़ी बात, संतुलन क्या है? हमारे शरीर के अंदर एक कोई भी वस्तु होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। इसके बारे में आपको बता देंगे अभी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किसी भी वस्तु की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है, उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे शरीर का सारा भार कार्य करता है। किसी भी वस्तु की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे उसके शरीर का सारा भार कार्य करता है, यानी केंद्रित रहता है, और उस बिंदु पर यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर उस भार के बराबर अगर बल लगाया जाए तो स्थिति को क्या बोलते हैं? संतुलन कहते हैं। अब इसके अंदर शुरू करते हैं, जो क्वेश्चन है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। निर्जीव वस्तुओं में गुरुत्व बल केंद्र होता है, अस्थिर, स्थिर, निश्चित नहीं है, आवश्यकता के अनुसार बदला जा सकता है। पहली बात तो आपको बता दें कि सजीव और निर्जीव चाहे कोई भी हो, जब तक आकृति और स्थिति एक रहेगी तब तक सीधी नहीं बदलेगी। अब मैं बिल्कुल यूं सीधा खड़ा हूं, मैं हिल नहीं रहा हूं, मेरा सीधी नहीं बदलेगा। एक मान लो लकड़ी का यू टुकड़ा है, ये लकड़ी का टुकड़ा ले रखा है, इसकी सीधी मान लो इस जगह पे है सीधी, तो जब तक लकड़ी का टुकड़ा इस स्थिति में रहेगा यानी खड़ी स्थिति में रहेगा, और जब तक इसकी आकृति इतनी रहेगी, ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, तब तक इसकी सीधी यही रहेगी। लेकिन जो अपने मानव है या कोई जीवित जो वस्तु होती है जिसके अंदर प्राण होते हैं, जीवित जो होता है, उसकी क्या स्थिति बदलती रहती है? जैसे मैं अब खड़ा हूं, मैं झुक गया, मैं जंप कर रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, मैं बैठ गया, मैं लेट गया, तो मेरी क्या है? आकृति बदल रही है बार बार। यानी कि जो जीव वस्तु होती है, जिसमें सजीव होता है, जो जीवित होती है वस्तु, उसकी आकृति बदलती रहती है, इस कारण उसकी सीधी भी बदलती रहती है। लेकिन जब तक वस्तु की स्थिति और आकार एक जैसा रहता है किसी निर्जीव वस्तु का, तब तक उसकी सीधी कभी भी हिलती नहीं है, उसकी सीधी स्थिर ही रहती है। तो निर्जीव वस्तु में गुरुत्व बल केंद्र सीधी होता है, हमेशा क्या होता है? स्थिर होता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, खेलों में गुरुत्व केंद्र का मुख्य रूप से किससे संबंध है? अब अपने बात करते हैं, सीधी काम किसके आता है? सीधी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व बल केंद्र किस काम आता है? यह आता है हमेशा खेलों के अंदर संतुलन बनाए रखने के काम में आता है। किसी काम आता है? खेलों में संतुलन बनाए रखने के काम में आता है, हमेशा संतुलन बनाए रखने के काम में आता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे किसी भी खिलाड़ी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पुरुष महिला और बच्चे की अलग अलग होती है। पुरुषों में सेंटर ऑफ, बच्चों में सेंटर ऑफ, महिलाओं में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो उसकी हाइट के, खुद की हाइट के अकॉर्डिंग होती है, जमीन से नापी जाती है। हमेशा सीधी जमीन से नापी जाएगी और हमेशा खिलाड़ी की हाइट के अनुसार होती है। महिलाओं में ये कितनी होती है? 50% के अलग होती है। पुरुषों के अंदर ये 55 से 60 के बीच में होती है, और बच्चों के अंदर, किसके अंदर? बच्चों के अंदर यह हमेशा 60 से 65 के बीच में होती है। सीधी कितनी होती है? 60 से 65 के बीच में प्रतिशत, ये प्रतिशत होता है कुल हाइट का 50%, कुल हाइट का 55 से 60%, कुल हाइट का 60 से 65% के आधार पर सीधी होती है। और सीधी जितनी जमीन के नजदीक होती है उतना ही संतुलन अधिक होता है। आप कभी भी देख लेना, मान लो अभी कोई 6 फुट, मान लो 6 फीट का टेबल है, बिल्कुल पतला सा ये खड़ा रहेगा, इसको आप 60 फुट ऐड कर दो तो ऊंचाई बढ़ेगी, उसकी सीधी बढ़ गई, तो संतुलन क्या हो गया? उसका कम हो जाएगा। किसी भी चीज की लंबाई जब ज्यादा होती है संतुलन कम होता है, क्योंकि उसकी सीधी भी ऊपर चली जाती है। अब ये आदमी, मान लो एक आदमी 6 फीट का है, उसकी सीधी ऊपर रहेगी, एक आदमी 5 फीट का है, उसकी सीधी नीचे रहेगी, तो जिसकी हाइट कम होती है उसकी सीधी क्या है? जमीन के नजदीक होती है, और नजदीक होने के कारण उसका संतुलन अधिक बन जाता है। आपने देखा होगा कई बार लंबे आदमी होते हैं वो झुक के चलते हैं, लंबे आदमी झुक के चलते हैं, उसका कारण यही नहीं होता कि उसकी सबकी मांसपेशियां कमजोर होती है। ये कहते हैं कि कुबर जो होती है, काइफोसिस जो होता है, उसका एक कारण ये भी होता है कि उसकी मांसपेशियां कमजोर होती है उस स्थान की। लेकिन यही कारण नहीं होता हर व्यक्ति का, सारे की कमजोर थोड़ी है जिसकी हाइट ज्यादा होती है। हाइट ज्यादा होने से क्या हो गया कि सीधी ऊपर चली गई, अब उसको थोड़ा सा संतुलन बनाए रखने क्या करता है? वो झुक के रहता है, झुकने से क्या होगा? सीधी थोड़ी जमीन के नजदीक चली जाती है, जिससे थोड़ा संतुलन उसका बढ़ जाता है। आपने देखा होगा खेलों के अंदर, अपने जैसे ग्राउंड में जाते हैं, कोई बच्चा यूं खड़ा है तो कोच क्या कहता है? सीधा खड़ा हो, ढंग से खड़ा हो, तो यूं खड़े होते हैं बिल्कुल, यानी कि पैर खोल लेते हैं, पैर खोल के थोड़ा झुक जाते हैं, उससे क्या होता है? सीधी थोड़ी जमीन के नजदीक चली जाती है और संतुलन बना रहता है। मैं खड़ा हूं, किसी ने धक्का दे दिया, मैं गिर सकता हूं। मैं बैठ गया, कोई धक्का देगा, गिरने की संभावना बहुत कम है। और मैं लेट गया,
तो गिरने की संभावना बिल्कुल नहीं है। क्यों? जब खड़ा था सीजी ज़्यादा ऊपर थी, बैठने पे फिर नीचे चलेगी और लेटने में बिल्कुल ज़मीन के पास चलेगी, यानी सीजी जितनी ज़मीन के पास होती है उतना ही संतुलन अधिक होता है। तो खेलों में गुरुत्व का मुख्य क्या काम होता है? खेलों में संतुलन बनाए रखने के लिए सीजी को काम में लिया जाता है। निम्न में से सर्वाधिक संतुलन किसमें होता है? आपको बताया था कि महिलाओं की सीजी पुरुषों की तुलना में अधिक नीची होती है, पुरुषों की तुलना में नीची होती है। अब नीची क्यों होती है? क्योंकि महिलाओं के कमर से नीचे का जो हिस्सा होता है वो अधिक फैला हुआ और भारी होता है, और जिसके कारण उसकी सीजी अधिक होती है। जितना वस्तु में भार अधिक होगा सीजी उतनी ही नजदीक जमीन के चली जाएगी। तो महिलाओं में संतुलन अधिक होता है। स्थायी संतुलन स्थिर संतुलन के लिए उत्तरदायी है। यहां थोड़ा सा एक आपको बात बताना चाहूंगा मैं। देखिए, संतुलन के प्रथम तीन सिद्धांत मान लो, या प्रथम तीन मुख्य बातें मान लो, तीन होती हैं। नंबर एक होता है COG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नंबर दो पे होता है LOG, लाइन ऑफ ग्रेविटी। और नंबर तीन पे होता है BOS, बेस ऑफ सरफेस। इसका मतलब होता है गुरुत्व बल केंद्र, यानी कि CG। इसका मतलब होता है गुरुत्व रेखा या गुरुत्व बल रेखा लाइन। इसका मतलब होता है आधार। अब ये तीन चीजें क्या करती हैं? संतुलन को बनाए रखने में सहयोग करती हैं। इसका एक एग्जांपल देखो आप, कि मान लो आपने देखा होगा अपने घर पे कि जब भी कोई बाल्टी वगैरह कोई गिलास वगैरह जब खाली छोड़ते हैं तो क्या करते हैं, उसको उल्टा छोड़ते हैं, ये छोड़ते हैं इस तरीके से। ऐसा करने पर क्या होता है कि लाइन ऑफ सेंटर ऑफ इसकी सीजी आ गया, ये मान लो इसका सीजी पॉइंट है। एलओजी क्या होगी? एलओजी क्या होती है? एक काल्पनिक रेखा होती है। एलओजी क्या होती है? एक काल्पनिक रेखा होती है। उस रेखा में क्या होता है कि जैसे बिल्कुल ये रेखा जो होती है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बिल्कुल बीच में से निकलती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बिल्कुल बीच से निकलती है, और ये होता है आधार। ये तीनों चीजें मिलकर क्या करती हैं? संतुलन को बनाए रखती है। जब तक ये सीजी के अंदर से गुजरेगी वस्तु बिल्कुल संतुलित रहेगी, और ये लाइन ऑफ ग्रेविटी जब तक इस आधार के क्षेत्रफल से आगे पीछे दाएं बाएं आधार के क्षेत्रफल से अगर ये बाहर निकल जाएगी तो गिर जाते हैं। जैसे मान लो आपने मीनार देखा होगा, अभी आपने सुना होगा कि एक मीनार है, पिसा की मीनार जो है वो झुकी हुई है। मान लो ये कोई मीनार है और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है। अब ये इसकी लाइन ऑफ ग्रेविटी है। अब क्या होगी? जब तक ये मीनार को टेढ़ा करते जाओ आप, जब तक ये टेढ़ी हो जाएगी और जब तक इससे बाहर नहीं चली जाएगी ये लाइन, तब तक ये गिरेगी नहीं। मान लो जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं आसान सा थोड़ा सा, ये मान लो पानी की बोतल है। अब इसको टेढ़ी करते हैं, बोतल को टेढ़ी करेंगे, मान लो इस तरीके से बोतल को टेढ़ा कर दिया आपने, टेढ़ा करते ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी यहां थी, ये तो लाइन जब तक इसके आधार में से गुजरती रहेगी तब तक ये बोतल गिरेगी नहीं, और जैसे ही बोतल को थोड़ा सा और झुका दिया और ये लाइन आधार से बाहर चली जाएगी, इससे इसका मतलब बोतल गिर जाएगी। ये तीनों मिलकर काम करते हैं। इसीलिए इस बाल्टी को सीधा रखते तब आधार क्या होता? छोटा होता और संतुलन कम बनता। अब क्या कर दिया? इस लाइन ऑफ ग्रेविटी को काम में लेने के लिए इसके आधार को बढ़ा दिया। इसीलिए जब अपने सीधा करते हैं तो आधार क्या होता है? छोटा होता है, और लाइन ऑफ ग्रेविटी जो होती है उसको फैलने के लिए इधर उधर जाने के लिए जगह कम मिलती है, इसलिए थोड़ा सा यूं करेंगे अपने गिर जाते हैं। लेकिन जैसे पैर खोल लिए, पैर खोलने से आधार बड़ा हो गया, अब लाइन ऑफ जो ग्रेविटी है उसको इधर उधर झूलने के लिए ज्यादा जगह मिल जाती है, इसलिए मैं ज्यादा झूलने पर भी मैं गिरता नहीं हूं। देखिए, स्थायी संतुलन स्थिर संतुलन के उत्तरदायी है। ये कहता है विस्तृत आधार, जितना आधार बड़ा होगा संतुलन ज्यादा होगा। कम भार, वस्तु में जितना कम भार होता है उतनी ज्यादा समस्या होती है। ड्रम खाली होता है, पानी का ड्रम भरा हुआ है, हवा चलेगी नहीं गिरेगा, खाली हुआ गिर जाएगा, संतुलन तो बिगड़ गया खाली का। क्यों? और भरे भरे हुआ क्यों नहीं बिगड़ा? क्योंकि उसके अंदर भार ज्यादा है। इसलिए भार कम अगर वस्तु में है तो
तो संतुलन कम रहेगा। अधिक ऊंचाई अगर वस्तु की है तो क्या हो जाएगा, उसका सीधी ऊपर चला जाएगा तो वो भी संतुलन बिगड़ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, स्थायी संतुलन, स्थिर संतुलन के लिए उत्तरदायी क्या है, विस्तृत आधार, यानी कि आधार जितना बड़ा होगा संतुलन उतना ही अधिक होगा। ये ऑप्शन दोनों गलत है। अधिक ऊंचाई वाला देखो, जैसे ये कोई ट्रक है, ये ट्रक खाली है, खाली जा रहा है, इसके पलटने के चांस कम रहते हैं क्योंकि सीजी क्या इसकी यहाँ है, इस पर क्या कर दिया सामान डाल दिया, अब क्या इसकी हाइट बढ़ गई, सीजी चलेगी ऊपर, अब इसके पलटने के आसार जाता है, यानी अधिक ऊंचाई संतुलन को कम करती है। सीजी अपनी जगह बनी रहती है लेकिन वस्तु की स्थिति बदल जाती है, वह संतुलन है, वह कौन सा संतुलन है, इसके बारे में देखो। एक देखिए आप, संतुलन तीन प्रकार के हैं, संतुलन के प्रकार, संतुलन के प्रकार। नंबर एक लिखता हूं, स्थिर, स्टैटिक या स्थायी संतुलन। दूसरा, अस्थिर या अस्थायी संतुलन, बहुत सिंपल सा है ये, समझने वाली बात है। तीसरा, उदासीन संतुलन। अगर आपको याद आता है तो इसको स्किप कर सकते हैं आप, लेकिन इनके बिना क्वेश्चन को समझना मुश्किल है, इसलिए कोई फायदा नहीं है बिना इसके करवाने से। लेकिन यहां पे तीन चीजें अपने लिखे, दो चीजें लिखेंगे अपने, एक तो था सीजी की स्थिति, स्थिति मतलब मान लो ऊंचाई से ले लो एक बार आप कितनी ऊंचाई पे है, और दूसरी चीज होती है वस्तु की स्थिति कैसी है। ये देखो, इन दोनों चीजों पे चलेगा पूरा पूरा तीनों का विभाजन। एग्जांपल लेते हैं अपने, एक बोतल का एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक बोतल, ये इसकी परिभाषा क्या होती है संतुलन की, इसकी कि जब किसी वस्तु को थोड़ा सा विस्थापित किया जाए, थोड़ा सा मतलब थोड़ा बल लगाया जाए, थोड़ा बल लगाया जाए, इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपने छोटा सा, देखिए आप छोटा सा, जैसे ये बोतल है, ये कहते हैं जब वस्तु को थोड़ा सा विस्थापित किया जाए, ये थोड़ा सा विस्थापित हो रही है, जब वस्तु को थोड़ा सा विस्थापित किया जाए, मान लो उसकी सीजी पहले यहां जगह थी, अब बोतल वहीं खड़ी है उतनी ऊंचाई पे, वैसी बोतल है, इसका मतलब सीजी उसकी वहीं रहेगी, इसको हिला दिया, इसको क्या क्या थोड़ा सा हिला दिया था, थोड़ा सा विस्थापित करने के बाद यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, यानी जैसी थी वैसी पड़ी रहती है। दूसरा, सीजी जितनी ऊंचाई पे थी उतनी है, वस्तु की स्थिति पहले भी यही थी अब भी यही है, पहले भी बोतल खड़ी थी अब भी यही खड़ी है, तो वस्तु की स्थिति, ये दोनों जब एक जैसे रहते हैं, यानी कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है दोनों की स्थिति वही रहती है, उसको बोलते हैं स्थायी संतुलन। क्या बोलते हैं उसको, स्थायी संतुलन। अब अस्थिर संतुलन, अस्थिर संतुलन में क्या हो जाएगा, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, अब इस बोतल पर बल लगाया और ये गिर गई, पहले सीजी ऊपर थी अब सीजी नीचे चलेगी, यानी सीजी ने अपनी जगह छोड़ दी, पहले बोतल क्या थी खड़ी थी अब क्या है पड़ी है, इसने भी अपनी स्थिति छोड़ दी। जब दोनों ही अपने स्थान पर नहीं रहते हैं उसको बोलते हैं अस्थायी संतुलन। तीसरा, उदासीन संतुलन। उदासीन संतुलन में क्या होता है, ये कहता है कि उदासीन संतुलन क्या है, एक एग्जांपल क्या, मान लो ये बोतल है, इस बोतल को मैं यूं लुटका देता हूं, मान लो यहां पड़ी थी मैंने उसको लुटका दिया, अब यहां से जैसे बॉल होती है फुटबॉल उसी तरीके से काम कर रहे हैं, उसको लुटका दिया यहां पहुंच गई, सीधी जहां थी उतनी ऊंचाई पर रहेगी, यानी सीजी अपनी जगह पे है, लेकिन ये पुरानी स्थिति को छोड़कर नई स्थिति में जाकर संतुलित हो जाती है, पुरानी स्थिति को छोड़कर नई स्थिति में जाकर संतुलित हो जाती है, उसको बोलते हैं उदासीन संतुलन। क्या बोलते हैं, उदासीन संतुलन उसको बोलते हैं। देखिए, जिसमें दोनों अपने स्थान पर रहे वो क्या है, स्थायी संतुलन, जिसमें दोनों अपने स्थान पर नहीं रहे वो क्या है, अस्थायी संतुलन, जिसमें सीजी रहे और स्थिति नहीं रहे वो तो उसको बोलते हैं उदासीन संतुलन।
अभी क्वेश्चन करते हैं अपने। सीजी अपनी जगह पे बनी रही है, पहली शर्त पूरी लेकिन दूसरी बदल जाती है, तो जिसमें एक बनी रहती है उदासीन संतुलन। बोल वाला, बोतल वाला, घूमने वाला आपको एग्जांपल दिया था। अस्थाई संतुलन में सीजी की स्थिति क्या होती है? अस्थाई संतुलन में सीजी में बदलाव आ जाता है, सीजी में बदलाव आ जाता है और उसकी स्थिति में भी बदलाव आ जाता है। संतुलन बनाए रखने के लिए और क्या चाहिए? आपको बताया था लाइन ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और आधार, इन तीनों के अलावा और क्या चाहिए संतुलन बनाए रखने के लिए? तो ये कहता है खिलाड़ी को अगर अनुभव है तो संतुलन बनाए रख सकता है। मान लो कोई खिलाड़ी है, आपने आइस स्केटिंग देखी होगी या आइस हॉकी देखी होगी, आप पहली बार खेलोगे तो उस पर आप संतुलन नहीं बना पाओगे, लेकिन आप रोजाना प्रैक्टिस करोगे तो आप संतुलन बना लोगे। क्या काम है आपका? अनुभव। अपने स्केट्स करते हैं, बच्चे स्केटिंग करते हैं तो क्या होता है, पहले दिन आप स्केट्स सीखने जाते हो गिर जाते हो, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करते नहीं गिरते हैं तो क्या काम आया? अभ्यास। अभ्यास से क्या बना? संतुलन। तो खिलाड़ी का अनुभव इस चीज को लेकर, यानी कि जो खिलाड़ी कार्य कर रहा है उसके संबंध में उसका अनुभव कैसा है, मस्तिष्क और मांसपेशियों का तालमेल, ये तो संतुलन के लिए वैसे जरूरी है तालमेल। मैदान की सतह कैसी है? मैदान की सतह फिसलने वाली है, संतुलन कम रहेगा। प्रथम तीनों विकल्प सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि ये अपना चौथा विकल्प क्या है, सही है। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है तथा गुरुत्वबल केंद्र अपनी पूर्व स्थिति में बना रहता है, यानी सीजी पूर्व स्थिति में है और वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, एक है मतलब कौन सा हो गया, उदासीन संतुलन। वस्तु को असंतुलित करने वाला, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, वस्तु को असंतुलित करने वाला कारक कौन सा है? आधार अगर चौड़ा हो तो वस्तु में संतुलन अधिक होता है, लेकिन यहां असंतुलन की बात कर रहा है। अधिक भार होता है तो संतुलन ज्यादा होता है, लेकिन अधिक अधिक ऊंचाई होती है तो वस्तु असंतुलित होती है। एक ये भी संतुलन को बनाए रखने में काम आता है, लगने वाले बल की दिशा का ज्ञान। ये तीन चीजें जो हैं, ये तीनों क्या करती हैं, संतुलन को बनाती हैं। मैं खड़ा हूं, मुझे पता है कि पीछे से कोई धक्का देने वाला है तो मैं तैयार हो जाऊंगा, संतुलन को बनाए रख सकता हूं, यानी बल की दिशा का ज्ञान। अगर ज्ञान नहीं है तो संतुलन बिगड़ सकता है। स्थिति में परिवर्तन को, स्थिति में परिवर्तन क्या है? स्थिति में परिवर्तन क्या होता है? स्थिति में परिवर्तन गति, विस्थापन, दूरी, वेग, इसको विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्थापन। स्थिति में परिवर्तन विस्थापन है क्या? मान लो यहां से चले, एक किलोमीटर चले अपने, यहां से चले इस जगह से, फिर दो किलोमीटर यूं चल दिए, फिर तीन किलोमीटर यूं चल दिए, फिर आधा किलोमीटर यूं चल दिए, इसके बीच की दूरी 200 मीटर है। कितनी है ये? 200 मीटर। एक दो तीन और तीन छह और एक साढ़े छह, साढ़े छह सौ तो होगी दूरी, लेकिन सीधी दिशा में होता है विस्थापन, हमेशा सीधी दिशा, उसकी दिशा कभी मूर्ति नहीं है। तो यहां से लेकर यहां के बीच की दूरी कितनी होगी? 200 मीटर। ये व्यक्ति यहां खड़ा था, अब यहां पहुंच गया, इसका विस्थापन कितना है? 200 मीटर। एक और सुनाया हुआ है कि 400 मीटर का जो ट्रैक होता है, 400 मीटर के ट्रैक के अंदर जो पहले लेने का जो धावक होता है उसका विस्थापन कितना होता है? ये यहां से भागता है और वापस यहीं आकर रुक जाता है इस जगह पे, तो विस्थापन जीरो होता है। दूसरा इसका होता है, दूसरी लेन का जो फुल स्ट्राइक होता है 7.04, कितना होता है? 7.04। ये खिलाड़ी यहां से भागता है, दूसरी लेन के खिलाड़ी का विस्थापन अगर पूछ लिया जाए, ये खिलाड़ी यहां से भागेगा और 400 मीटर पूरे कहां होंगे इसके? यहां पे। अब इनके बीच का गैप कितना है? 7.04 मीटर, इसका विस्थापन 7.04 मीटर रहेगा, तो इसको बोलते हैं विस्थापन। ये कुछ प्रश्न है, ये नोट्स टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए जाएंगे, तो ये थोड़ी पढ़ने वाली बात है, तो ये थोड़ा सा देख लेना। अपना पेशे गति विज्ञान यानी कि कांसुलॉजी का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद, अगले वीडियो में दोबारा आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।